तो भगवान कहे कि जब तक मेरा नाम को उच्चारण होगा, भक्त लोग नाम को उच्चारण करते रहेगा, तब तक आपको पृथ्वी पर आना। अतुलित बलधामम हेम शैलाद देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। वो पवन वेग से चल के आते, वो पवन वेग से चल के आते, वो काम कर देते चुटकी बजाते। वो पवन वेग से चल के आते, वो पवन वेग से चल के आते, वो काम कर देते चुटकी बजाते। भक्त को है वो, भक्त को है वो, भक्त को है भरोसा उन्हीं का, महिमा बजरंग बली की बड़ी है। भक्त को है भरोसा उन्हीं का, महिमा बजरंग बली की बड़ी है। भक्त को है भरोसा उन्हीं का, वो भक्त को है भरोसा उन्हीं का, महिमा बजरंग बली की बड़ी है। वो सोलाना ये, वो सोलाना ये, सोलाना ये बात सही है। कोई हनुमान जैसा नहीं है, सोलाना ये बात सही है। कोई हनुमान जैसा नहीं है, सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। हर मुसीबत को पल में मिटाते, वो हर मुसीबत को पल में मिटाते, रोने वाले को पल में हंसाते। हर मुसीबत को पल में मिटाते, हर मुसीबत को पल में मिटाते, रोने वाले को पल में हंसाते। देख सकते हो, देख सकते, देख सकते दुखी ना किसी को। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है, और ये बातें आपके हृदय में घर घर जाएं, ये विश्वास पक्का हो जाए, इसलिए नित्य नए मंदिरों का हम दर्शन करते हैं। और इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में हम मौजूद हैं, और ये राजवंशी नगर मोड़ पे पंचरूप हनुमान जी हमारे सामने उपस्थित हैं। जय श्री राम। और पंचरूप हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी यहाँ उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। दुबे जी, उर्फ त्यागी जी लोग बोलते हैं। जी जी। अच्छा पंडित जी, गोस्वामी जी ने लिखा भी है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख मिल जाता है। क्या हनुमान जी की पूजा राता से सब संभव है? जब श्री रामचंद्र जी साकेत धाम जाने लगे जी, तब हनुमान जी कहे
कि प्रभु मैं भी साथ में आपको चलूँगा। तो भगवान कहे कि हनुमान हनुमान तुम बन जाओ। अच्छा, कि तुम रहो मृत्यु भवन में, कलयुग आ रहा है, तुमके द्वारा राम नाम के उपासक तुम हो और तुमके द्वारा भक्त लोग का उद्धार होगा, इसलिए तुम मृत्यु भवन में रहो और हम लोग को जाने, हम लोग का समय पूर गया, अवधि खत्म हो गया, समाप्त हो गया, हम लोग को जाने दीजिए। तो हनुमंत राय जी प्रश्न किए कि प्रभु कब तक, अने मृत्यु भवन में हम कब तक रहेंगे। तो भगवान कहे कि जब तक मेरा नाम को उच्चारण होगा, भक्त लोग नाम को उच्चारण करते रहेगा, तब तक आपको पृथ्वी पर आना है। बाबा जी, हम लोग जहाँ अभी उपस्थित हैं, ये पंचरूप हनुमान जी का मंदिर है। पंचरूप हनुमान जी की महिमा क्या है और ये मंदिर कब से है? पंचरूप में आते हैं, एक तरफ आशीर्वाद और फिर भजन करते हुए, एक तरफ आपको माला जपते हुए, एक तरफ ध्यान में, ये चार रूप हुआ। और बीच में जो हनुमंत लाल जी का जो अथि है, कारण की रुद्र अवतारी हनुमान जी हैं, 11वां रुद्र भोलेनाथ के अवतारिक में आते हैं, हैं? और ये महा राम नाम के उपासक हैं, राम न सके नाम गुण गाए, हैं? इनके राम नाम को महिमा कोई नहीं बता सकता है कि कितना इसका महिमा है, हैं? राम एक तापस्य तारी नाम कुटीर खल कुमति सुधारी, जी जी, हैं? राम नाम का महिमा। और एक चीज़ और, हनुमान लाल जी के कृपा से हम कोनो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जी, बहुत अनपढ़ है, जी, लेकिन हनुमान जी के कृपा से कलयुग में जो हनुमान जी का आपका प्रश्न वहाँ पर किए थे कि कलयुग में हनुमंत लाल जी को क्यों ज़्यादा करके उपासक लोग, भक्त लोग होते हैं, जी, जी, इसका क्या कारण, हम वहाँ पर सुने थे, यहाँ पर नहीं आप सवाल किए थे। तो वो प्रश्न का उत्तर हुआ कि ब्रह्मा जी हो, विष्णु हो, शिव हो, सब लोग भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, आ इन लोग का भजन के प्रभाव से ही पोस्ट मिलता है, पुण्य के द्वारा भजन के प्रताप से इन लोग का पोस्ट मिलता है। तो कलयुग में ब्रह्मा का पोस्ट हनुमंत लाल जी को मिला, इसलिए कलयुग में हनुमान जी को ज़्यादा करके देखेगा कि कहूँ हटक्का कहीं रोड साइड में हनुमान जी के मंदिर, हर जगह हनुमान, हर एक जगह, कहीं जमीने को दखल करने के लिए तो बहुत जगह मंदिर, हर एक मोड़ में हनुमान जी है। अच्छा बाबा जी, आज तो मंगलवार का दिन है, सुबह के समय है, इसलिए भक्तों की काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी है, हनुमान जी प्रसन्न कैसे होते हैं ये जिज्ञासा भक्तों की रहती है, कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी? हनुमान देखिए, हनुमान जी भजन करते हैं दूत, एक तो माता अपने अंजना को बहुत मानते हैं, माता को, दूसरी बात श्री राम को मानते हैं, साइड भी कैमरा है, दूसरी बात श्री राम को मानते हैं। तो नौ और दस के बीच में हनुमान जी 9 बजे तकले श्री राम के साथ में रहते हैं, जी, श्री राम को साथ में रहकर हनुमान जी श्री राम के सेवा में ही रहते हैं, जी, जी बाबा जी। अच्छा बाबा जी, बड़ा प्राचीन मंदिर है पटना का, यहाँ जो भी आता है हमने सुना है समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, हनुमान जी की दया है, क्या करते हैं भक्त, भक्त भक्त बस लो हनुमंत राज्य है, भक्त के बस में भगवान रहते हैं, तो भक्त लोग के मनोकामना सिद्धि होता है, इसलिए भक्त लोग पहुँचते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब इन्हीं का कृपा है, यानी हनुमान जी कृपा से सब संभव है। हाँ, हनुमान जी की कृपा, इतना इतना नहीं जगह भजन हुआ कि 15-15 दिन 9-9 दिन अखंड हम लोग करते आए, ये कोरोना काल में जो हुआ था वही में थोड़ा बंद हो गया, फिर हम लोग तो ये मंदिर कब से है बाबा जी? ये मंदिर कब, ये 62 से, अच्छा मतलब 60 के दशक से यहाँ पे स्थापित है। अच्छा जी जी जी, तो जो 75 में बाढ़ आया था, 75 में इतना पानी आ गया था, अच्छा 75 के बाढ़ में, उसी समय, जी जी,
चलिए बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रसाद इनको दे दीजिए। जय सियाराम।